basically yours. और आ गया हूँ आप लोगों के बीच एक बार फिर से मैं आरजे अभिनव इसी म्यूजिकल योर्स यानी कि 107.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो पर रेनबो रिवाइंड लेकर आप लोगों के पास दोबारा से अपने एक या तो कपिटारा एक झोली लेकर जिसमें रत्नों से जड़ित मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आप लोगों के पास आता हूँ। और आज एक और ऐसे ही अलहदा शख्स की एक कलाकार की कहानी आप लोगों के पास रेनबो रिवाइंड में लेकर आया हूँ जिनके बारे में आप लोग जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में और कुछ अनसुनी बातों के बारे में और कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। पहले पेश करता हूं ये गीत, तब तक आपको अंदाजा होगा कि मैं किस कलाकार की बात कर रहा हूं। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जाते हम रात भर। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जाते हम रात भर। कोई तो गम अपना था, कोई तो साथी होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। कोई वादा बीती हुई कुछ यादें, तन्हाई तो हराती है रात भर। कोई दिलासा होता, कोई तो अपना होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। जी हाँ, कोई होता अपना जिसको हम अपना कह लेते यार हों। अक्सर हम लोगों की ज़िंदगी में दिल में एक बार कोई ना कोई ऐसा अवसर आता है जहां हम लोग ये बात कहते हैं। मैं आज बात कर रहा हूं आप लोगों से विनोद खन्ना जी की, जो कि एक भारतीय अभिनेता फिल्म निर्माता थे जो हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। साथ ही वो बॉलीवुड में एक उल्लेखनीय आध्यात्मिक साधक भी थे। उन्हें दो बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था और विनोद खन्ना उनमें से एक थे जो कि अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के साथ साथ अपने समय के सबसे अधिक कमाई करने वाले एक सितारे थे। वो एकमात्र सुपरस्टार थे जो फिल्मों में ब्रेक लेने से पहले, यानी कि फिल्मों से जब उन्होंने ब्रेक लिया 1970 के दशक के शुरुआत से 1980 के दशक की शुरुआत तक, अमिताभ बच्चन के साथ बॉक्स ऑफिस पर वो उनके प्रदर्शन को टक्कर दे सकते थे।
कुछ गीत और लेकर आता हूँ आप लोगों के पास। एक है उन्हीं की मूवी हाथ की सफाई से, वादा कर ले साजना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। उसके बाद आकर बताता हूँ आप लोगों को कुछ और भी बातें मैं उनके बारे में। बस ये ही दुआ हर जन्म यूं मिल के रहेंगे, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे। सुंदर सा हो अपना जहां, प्यार अपना रहे सदा जवां, हम कृपया लक्ष द्या, जमिनीवरचे पिवळ्या रंगांचे सूचना फलक अत्यंत महत्वाचे आहेत। हे फलक हालून जाणाऱ्या हाय प्रेशर नॅचरल गॅस अथवा एलपीजी पाईपलाईनची उपस्थिती दर्शवतात। अशा ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम, खोदकाम, ड्रिलिंग यांना सत मनाई आहे। ही पाईपलाईन उद्योग व घरगुती इंधन, एलपीजी, सीएनजी इत्यादीचा पुरवठा करते। अशा ठिकाणी जर शिट्टीसारखा आवाज आला तर त्याची माहिती ताबडतोब टोल फ्री नंबर 1501 वर द्या। तुमची जागरूकता जीवन आणि संपत्ती या दोन्हींचे नुकसान वाचवू शकते। गेल इंडिया लिमिटेड
तर्फे जनहितार्थ जारी। आरबीआई का मनी ऐप दृष्टिहीनों को नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में सहायता करता है। इस ऐप को एंड्रॉइड प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर से बिना किसी फीस के डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, यह ऑफलाइन मोड में भी काम करता है। ऐप मूल्य वर्ग की पहचान कराता है और उसे हिंदी, अंग्रेजी और 11 अन्य भाषाओं में बताता है। साथ ही यह मोबाइल एप्लीकेशन बैंक नोटों के मूल्य वर्ग को वाइब्रेशन इत्यादि के माध्यम से पहचान कराता है। ध्यान रहे, यह मोबाइल एप्लीकेशन बैंक नोट असली है या नकली इसका प्रमाण नहीं देता है, इसलिए उपयोगकर्ता से सावधानी अपेक्षित है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पिता, माँ, पुत्र, पुत्री या रिश्तेदार की भूमिकाएं हम परिवार और समाज में बखूबी निभाते हैं। अब बारी है प्रजातंत्र में अपनी भूमिका निभाने की। चुनाव में भाग ले रहे प्रत्याशियों के बारे में जानने के लिए नो योर कैंडिडेट ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना वोट डालने से पहले प्रत्याशियों के बारे में अच्छी तरह जान सकते हैं। प्रत्याशियों के बारे में जानना आपका हक भी है और आपके लिए जरूरी भी। बनिए एक जागरूक और जिम्मेदार मतदाता। चुनाव का पर्व देश का गर्व। जी हाँ, आप लोगों के बीच मौजूद हूँ एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 104.4 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। बात करता हूँ मैं आप लोगों से नन ऑफ द देन यानी कि विनोद खन्ना साहब की। विनोद खन्ना जी ने 1968 में अपनी फिल्मी शुरुआत की और शुरुआत में वो सहायक और विरोधी भूमिकाओं में उन्होंने अभिनय किया, यानी कि वो बीच बीच में शुरुआत में एंटी हीरो बने थे और कुछ विलेनियस टाइप के रोल भी किए थे। सामाजिक नाटक मेरे अपने में, यानी कि जो इस तरह की मूवी थी सोशल मैसेज के साथ, वो एक एंग्री यंग मैन की भूमिका में आए। एक्शन ड्रामा मेरा गांव मेरा देश में मुख्य खलनायक की भूमिका उन्होंने की और क्राइम ड्रामा मूवी अचानक में वो सैन्य अधिकारी के भूमिका में हम लोगों को दिखाई दिए थे, जो कि एम नानावटी बनाम की घटनाओं पर आधारित फिल्म थी। हमको मोहब्बत हो गई है किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में। तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे और हमको मोहब्बत हो गई है तुमसे। अरे तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे और हमको मोहब्बत हो गई है तुमसे। अब तो मिल जाएगा वो खजाना जिसके पीछे है सारा जमाना। गुलाबी गालों का नाना, रेशमी बालों का, गोरी बाहों का नाना, नशीली आंखों का नाना ना, जिसकी खातिर हुआ हूँ मैं दीवाना दीवाना। तुमको मोहब्बत, अरे तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे और हमको मोहब्बत हो गई है तुमसे। समझा देंगे हम ऐसे ना घबराओ, कहीं रुसवा ना कर दे जमाना जमाना। तुमको मोहब्बत, हाँ तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे और हमको मोहब्बत हो गई है तुम। Thank you.
हंसी छोड़ो रुसवा तो सभी है जमाने में, हंसी छोड़ो रुसवा तो सभी है जमाने में, कुछ आएगा कुछ जाएगा भी दिल लगाने में। दिल का आना ही दिल का है जाना हो जाना, तुमको मोहब्बत अरे तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे, और हमको मोहब्बत हो गई है तुमसे, तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे, और हमको मोहब्बत हो गई है तुमसे। कृपया लक्ष्य दिया। फिर से बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ, मैं रेनबो रिवाइंड में आपका दोस्त आरजे अभिनव। बात कर रहे हैं हम लोग विनोद खन्ना जी। 1982 में अपने फिल्मी करियर के चरम पर विनोद खन्ना जी ने अपने आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश का अनुसरण करने के लिए अस्थायी रूप से फिल्म उद्योग से एक ब्रेक ले लिया था। 5 साल के अंतराल के बाद वो 2 हिट फिल्मों इंसाफ और सत्यदेव जयते के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लौट आए। अपने बाद के फिल्मी करियर में उन्होंने वांटेड, दबंग और दबंग 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में पिता के रूप में भी कई यादगार भूमिकाएं निभाई। जिन्होंने दीवानापन नहीं देखी है वो ज़रूर देखिएगा। दीवानापन में उन्होंने एक अच्छी भूमिका निभाई थी और वो एक्ट्रेस दिया मिर्जा के फादर बने थे। पेश करता हूँ आप लोगों के सामने कुछ और भी गीत। हम सच बोला है ओ हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाएं, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाएं, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो कभी बोलू मैं कभी बोले तू आई लव यू लव यू लव यू लव यू आई लव यू लव यू लव यू, मैंने तुम पे तुमने मुझ पे कर दिया जादू, आई लव यू लव यू लव यू आई लव यू। अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा, राज हमने अब खोला है, गॉड प्रॉमिस हम सच बोला है ओ हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। जीवन की डोर बंधी है चुप चुप संग डोलो तेरे
में सपनों का सागर तू प्रेम नदी है। अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा, अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा, चांद चकोरी जो दुनिया में राम कसम तू रहे दिया में, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे। बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे। दिल में दिल पर तू रहता है खुदा गवाह, हम सच कहता है हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे। बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे। कलाम उसमें शामिल तेरा नाम, दो लफ्जों में करता हूँ मुक्त से के साथ तमाम। मैं शायर हूँ मेरा है वास्ता हसीनों से, तेरी फुर्कत में मैं सोया नहीं महीनों से। नहीं करती ये बातें पर्दा नशीनों से, सरे बाजार छोड़ो छेड़ में जबीनों से। हे अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा, अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा, हुस्न हमेशा रूठा रहता है खुदा गवाह, हम सच कहता है हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें। बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें। जी हाँ, और मैं बात कर रहा था आप लोगों से विनोद खन्ना जी की। कुछ और भी बातें मैं अब आपको उनके बारे में बताता हूँ। विनोद खन्ना जी का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर ब्रिटिश भारत में, अब जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर एक पंजाबी हिंदू परिवार में कमला और किशन चंद खन्ना के घर हुआ था। उनके 3 बहन और 1 भाई थे। उनके जन्म के कुछ समय बाद भारत का विभाजन हो गया और परिवार पेशावर छोड़कर बम्बई, जो कि अब वर्तमान मुंबई है, वहाँ पर चला आया। उन्होंने दूसरी कक्षा सेंट मेरी स्कूल बॉम्बे में पढ़ाई की और फिर दिल्ली स्थानांतरित हो गए थे, यानी कि दिल्ली चले गए थे। 1957 में परिवार दिल्ली चला गया, जहां उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड में पढ़ाई की थी। हालांकि 1960 में परिवार वापस बम्बई चला आया था, यानी कि मुंबई आ गया, लेकिन उन्हें नासिक के पास देवलाली में बॉन्स स्कूल में भेज दिया गया था। आगे आकर बताता हूँ कुछ और भी बातें उनके बारे में। RBI का मनी ऐप दृष्टिहीनों को नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में सहायता करता है। इस ऐप को एंड्रॉइड प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर से बिना किसी फीस के डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, यह ऑफलाइन मोड में भी काम करता है। ऐप मूल्य वर्ग की पहचान कराता है और उसे हिंदी, अंग्रेजी और 11 अन्य भाषाओं में बताता है। साथ ही यह मोबाइल एप्लीकेशन बैंक नोटों के मूल्य वर्ग को वाइब्रेशन इत्यादि के माध्यम से पहचान कराता है। ध्यान रहे, यह मोबाइल एप्लीकेशन बैंक नोट असली है या नकली इसका प्रमाण नहीं देता है, इसलिए उपयोगकर्ता से सावधानी अपेक्षित है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
कृपया लक्ष द्या, जमिनीवरचे पिवळ्या रंगांचे सूचना फलक अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. हे फलक हालून जाणाऱ्या हाय प्रेशर नॅचरल कृपया लक्ष द्या, जमिनीवरचे पिवळ्या रंगांचे सूचना फलक अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. हे फलक हालून जाणाऱ्या हाय प्रेशर नॅचरल गॅस अथवा एलपीजी पाईपलाईनची उपस्थिती दर्शवतात. अशा ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम, खोदकाम, ड्रिलिंग यांना सत मनाई आहे. ही पाईपलाईन उद्योग व घरगुती इंधन, एलपीजी, सीएनजी इत्यादीचा पुरवठा करते. अशा ठिकाणी जर शिट्टीसारखा आवाज आला तर त्याची माहिती ताबडतोब टोल फ्री नंबर 1501 वर द्या. तुमची जागरूकता जीवन आणि संपत्ती या दोन्हींचे नुकसान वाचवू शकते. गेल इंडिया लिमिटेड तर्फे जनहितार्थ जारी. आकाशवाणी FM रेनबो. जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल. एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 यानी 1044 किलो हर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं. हम लोग बात कर रहे थे विनोद खन्ना साहब की. उन्हें नासिक के पास देवलाली में बॉन्स स्कूल भेज दिया गया था. बोर्डिंग स्कूल में अपने समय के दौरान खन्ना जी ने महाकाव्य 16 साल और मुगले आजम देखे थे और उन्हें मोशन पिक्चर से प्यार हो गया था. यानी कि जो बड़ी मूवीज हैं वो उन्होंने देखी थी. उन्होंने बॉम्बे के सिड हैम कॉलेज से कॉमर्स की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन की और उसके बाद उन्होंने कुछ और भी करने का मन बना लिया था. क्या ये जरूर आपको बताता हूं, लेकिन पहले पेश करता हूं कुछ गीत. मुझसे दयावान के एक गीत की फरमाइश की गई थी, आज फिर तुम पे प्यारा है. पेश करता हूं पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गीत. फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है. आज फिर तुम
इस भरे शहर में अकेला था, इस भरे शहर में अकेला था, गुम था मैं जिंदगी के मेले में, तुम मिले तो पता मिला अपना, चांद उतर आया मेरे सीने में, तुमको पाया तो खुद को पाया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। खुशी तुमसे जिंदगी तुमसे, हर खुशी तुमसे जिंदगी तुमसे, तुम ही उम्मीद तुम वफा मेरी, मैंने सब कुछ तुम्ही से पाया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब जी हाँ, आप लोग बीच बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ और हम लोग बात कर रहे हैं विनोद खन्ना जी की। विनोद खन्ना जी को क्रिकेट बहुत पसंद था और उन्होंने कहा था कि एक समय था जब मैंने टेस्ट खिलाड़ी बुद्धि कुंदरन के साथ निष्पक्ष क्रिकेट खेला था, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मैं विश्वनाथ नहीं बन सकता तो मैंने फिल्मों की ओर रुख कर लिया, फिर भी क्रिकेट ही मेरा पहला प्यार रहा, फिल्म कभी मेरा पहला प्यार नहीं था। कुछ और भी गीत लेकर आता हूँ आप लोगों के पास, ये खिड़की जो बंद रहती है। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है दिल तरसाती है, ये खिड़की खिड़की ये खिड़की ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है, मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा
तड़पाती है, दिल तरसाती है। ये खिड़की खिड़की ये खिड़की ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। लगता है मेला ना जाने कहाँ, आशिक जमा होते हैं यहाँ। अरे सबको पता है ये दास्तां, इस घर में है एक लड़की जमा। आंखें झुका के गुजरो इस गली से, आने जाने वालों से कहती है ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। गम की घटा है ये छट जाएगी, आहों से दीवार फट जाएगी। जब सामने से ये हट जाएगी, घूंघट में गोरी सिमट जाएगी। एक रोज खुल जाएगी टूट के ये, कितनी नजरों के तीर सहती है ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। सोचे मेरे बारे में वो, अरे बातें करे दो इशारे में वो। चुप से खड़ी है उस किनारे में वो, उस पार वो है और इस पार मैं हूँ। नदियाँ बीच में बहती है ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है दिल तरसाती है। ये खिड़की खिड़की ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। आकाशवाणी FM रेनबो, ये खिड़की जो बंद रहती है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 104 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद विनोद खन्ना पर सुनील दत्त जी की नज़र पड़ी और उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत सुनील दत्त जी की 1968 की फिल्म मन का मीत, अदुर्ति सुब्बा राव द्वारा निर्देशित मूवी
मैं खलनायक के रूप में की, जिसमें सोमदत्त नायक थे, जो तमिल फिल्म कुमारी पेन की रीमेक थी। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा 1970 में, आन मिलो सजना और 1971 में मेरा गांव मेरा देश जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में सहायक या खलनायक किरदार निभाए थे। आगे क्या हुआ बताता हूँ आप लोगों को, पहले पेश करता हूँ कुछ गीत किशोर दा की आवाज में, ओ साथी रे। और कुछ लोगों ने मुझसे गीत की फरमाइश की थी, तो अब मैं पेश कर रहा हूँ मुकद्दर का सिकंदर के ये कुछ गीत। ला 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 सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है, इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये झूठे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बंजारे, मेरा जीवन जलती भूनी, बुझे बुझे मेरे सपने सारे, तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी ये जिंदगी जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या आकाशवाणी एफएम रेनबो।
जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से विनोद खन्ना साहब की। खलनायक की भूमिका से विनोद खन्ना जी ने सफलतापूर्वक लोकप्रिय नायक की भूमिका निभाई। उन्होंने अपना पहला ब्रेक हम तुम और वो में भारती विष्णुवर्धन के साथ सोलो लीड के रूप में उनको मिल चुका था, उन्होंने लिया और इसके बाद गुलजार की मेरे अपने में काम किया। 1973 में गुलजार की फिल्म अचानक में मौत की सजा का सामना कर रहे एक सैन्य अधिकारी के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा दिलाई थी। Hey man, you get this sort of music, eh? You like it? Then why don't you come and join in Lover's Paradise?
दुनिया बहार की है। बाहों में यार के ही दुनिया बहार की है, प्यार बिना क्या जीना ये भी कोई जिंदगी है। इसी म्यूजिकल योर्स पर आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका अमराज आरजे अभिनव एफएम रेनबो पर रेनबो बैंड लेकर। 1974 में उन्होंने इम्तिहान में एक कॉलेज प्रोफेसर की भूमिका निभाई थी, जो रोटी कपड़ा और मकान और मजबूरी से कड़ी स्पर्धा के बावजूद भी सफल साबित हुई। और अमर अकबर एंथोनी और मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया था, सबसे ज्यादा सफल रही। 1977 और 1978 की कमाई करने वाली भारतीय फिल्म। 1970 के दशक में शोले और बॉबी के बाद मुकद्दर का सिकंदर तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी। अपनी लोकप्रियता के चरम पर उन्होंने ब्लॉकबस्टर ड्रामा मैं तुलसी तेरे आंगन की मैं सहायक भूमिका निभाई, जिसमें दिग्गज अभिनेत्रियों आशा पारेख और नूतन के साथ उन्होंने काम किया था, जो कि नायिका प्रधान फिल्म थी। पेश करता हूं अब गीत वक्त की हेरा फेरी है। रब को भूला था अरे कल तक रब को भूला था, अब नाम लगा है रटने, जब माल लगा है घटने, लगा कलेजा फटने, तो खैरात लगी है बटने, पर चिंता की कोई बात नहीं नहीं
हम हैं तेरे साथ। बिल्कुल। अरे पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये तेरी बात, क्योंकि दरबार में ऊपर वाले के दरबार में ऊपर वाले के अंधेर नहीं पर देरी है, अंधेर नहीं खेल है ये और वक्त की हेरा फेरी है और वक्त की हेरा फेरी है और वक्त